तो गाइस कुछ टाइम पहले ही हमने नेक्सॉन फेसलिफ्ट को शेल पे कवर किया था एंड रिसेंटली इसकी कुछ और स्पाइड इमेजेस आई एंड स्पाइड इमेजेस आने के बाद अब और ज़्यादा क्लियर हो गया है कि इस कार में आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, क्या क्या नए नए फीचर्स इस कार में ऐड हुए हैं। तो ये सब अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है, तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है इस कार को लॉन्च होने की एंड किस प्राइस रेंज पर ये कार आ सकती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज को लाइक करना भी ना भूलें। सो गाइस नेक्सॉन फेसलिफ्ट सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ही मार्केट में नहीं आने वाली, इस कार में इस बार बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, चाहे बात इसके एक्सटीरियर लुक की हो, चाहे इंटीरियर की बात करें या फिर इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें। टोटली न्यू पैकेज के साथ ये कार मार्केट में आने वाली है एंड वी ऑल नो नेक्सॉन टाटा का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार है टाटा, टाटा इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला। बात करें इस नेक्सॉन फेसलिफ्ट की, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या एक्सटीरियर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, तो बात करता हूँ सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो गाइस न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट में इस बार आपको स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आपको डीआरएल भी, कनेक्टिंग डीआरएल इस बार दी गई है इसमें। जैसे कि आपने ऑटो एक्सपो में देखा होगा इनकी कॉन्सेप्ट कार कर्व में, सिमिलर टाइप की डीआरएल यूनिट आपको इस बार न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ग्रिल में भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, स्लीक ग्रिल आपको दिखाई देगी इस बार इसके न्यू वर्जन के साथ। ये रही बात इसके फ्रंट चेंजेस की, अब बात करूं अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल पे आपको ओआरवीएम में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपने इसकी कॉन्सेप्ट का कर्व में देखा होगा ओआरवीएम, थोड़े स्लीक डिजाइन के ओआरवीएम अब इस कार में आपको देखने को मिलेंगे। 16 इंच के टायर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे एंड जो एलॉय का डिजाइन है वो स्टार टाइप डिजाइन उन्होंने दिया है, जैसे कि आपने इमेजेस स्पाइड इमेजेस में भी देख रहे हो, स्टार डिजाइन टाइप इसके अलॉय आने वाले हैं इस बार, तो देखने में जो काफी अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस ये सब चेंजेस आपको इसके साइड प्रोफाइल में देखने को मिलेंगे। बात करूं मैं अगर इसके रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर प्रोफाइल में कई लोगों को कंप्लेंट रही थी नेक्सॉन के साथ, कई लोगों को नेक्सॉन का रेयर प्रोफाइल पसंद नहीं आता था, बट इस बार रेयर प्रोफाइल को भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो अब इस कार में आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प यूनिट देखने को मिल सकती है, जो कि जो इनके स्पाइड इमेजेस है इसमें तो काफी अच्छी लग रही थी। इसके अलावा रेयर प्रोफाइल में अब आपको इसके वाइपर की पोजीशनिंग भी थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगी, इसके वाइपर ऊपर की तरफ दिए गए हैं इस बार, तो रेयर प्रोफाइल से भी कार काफी ज्यादा चेंज होके आएगी। तो एक्सटीरियर में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं कार में, जो कि इस कार को बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग लुक देंगे एंड कहीं से भी आपको पुरानी वाली नेक्सॉन जैसा नकली नहीं आने वाला है इस कार में। काफी ज्यादा चेंजेस के साथ एक न्यू रिफ्रेशिंग लुक के साथ ये कार आने वाली है। तो ये तो रही बात इसके एक्सटीरियर की, अगर मैं बात करूं इस कार में इंटीरियर में, तो इंटीरियर में भी कंपनी ने काफी सारे चेंजेस किए हैं। अब इस कार के इंटीरियर में आपको ड्यूल स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा एंड स्टीयरिंग व्हील भी जहां तक इसकी स्पाइड इमेजेस देख के लग रहा है वो डिजिटल फॉर्म में दिया गया है। अगर डिजिटल फॉर्म में ये आया तो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टाइप ऑफ कार होने वाली है। अगर मैं इस बात करूं तो यार इसकी डिजाइन, चाहे एक्सटीरियर की बात करें चाहे इंटीरियर की बात करें, काफी फ्यूचरिस्टिक टाइप ऑफ डिजाइन इस बार टाटा ने रखा है एंड देखते हैं कि ये कार जब रियल लाइफ में आएगी तो उसके बाद ये कार कैसी लगती है। बात करूं इस कार में, इस बार आपको डिजिटल कंसोल देखने को मिलेगा, फुली डिजिटल कंसोल आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपने अभी इसके रिसेंटली जो अपडेटेड वर्जन आए थे इसके हैरियर के, सफारी के और नेक्सॉन ईवी के, उनमें देखने को जो डिजिटल कंसोल मिल रहा था वही डिजिटल कंसोल अब आपको इस कार में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम इस बार इस कार में आएगा, वही इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपको सफारी एंड हैरियर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस कार में अब आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलेगा, जो कि हम पहले मिस करते थे इसके नेक्सॉन में, वो चीज अब इस नेक्सॉन फेसलिफ्ट में अब आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि स्पाइड इमेज में हमने देखा, इस बार आपको गियर नॉब का डिजाइन में भी थोड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो पर्पल कलर का इंटीरियर आप स्पाइड इमेजेस में देख रहे हो, ये हो सकता है इसके टॉप वेरिएंट में ही आए, लोअर वेरिएंट में क्या आएगा अभी वो क्लियर नहीं है इतना ज्यादा। तो करंट नेक्सॉन में जो भी इश्यूज आपको फेस हो रहे थे वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए जाएंगे इसके फेसलिफ्ट वर्जन में। इसके अलावा इंजन की अगर मैं बात करूं तो इस बार आपको 1.2 लीटर का ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, बट इसमें जो पावर एंड जो टॉर्क है वो पहले से ज्यादा मिलेगा। 125 PHP की पावर और 225 NM का टॉर्क को इस कार में मिलेगा, जो कि पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो
पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन रहेगा अब इस कार में। सो गाइस अकॉर्डिंग टू मी ये कार बिल्कुल वर्थ वेटिंग है। अगर आप इसका वेट कर सकते हो तो प्लीज वेट फॉर दिस कार। अगर मैं बात करूँ इसके एक्सपेक्टेड डेट की तो ये कार हमारे फेस्टिवल सीजन यानी कि नवंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कार को लॉन्च किया जाएगा एंड इसकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। एंड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग में आपको थोड़ा सा हाइक देखने को मिलेगा बिकॉज ये कार अब पहले से ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ आ रही है, पहले से ज़्यादा चेंजेस इस कार में किए गए हैं तो प्राइस में भी थोड़ा बहुत आपको हाइक देखने को मिलेगा। मैं बात करूं तो आपको इसमें 50,000 to 60,000 का हाइक देखने को मिल सकता है इसके बेस वेरिएंट प्लस इसके टॉप वेरिएंट में। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड वी विल ट्राई की और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस कार के बारे में लेके आए आपके सामने। एंड अगर बात करूँ इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की तो इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा भी अपनी एक फेसलिफ्ट लेके आने वाली है बहुत जल्द। आपको एक्सयूवी 300 का फेसलिफ्ट भी इस साल या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।